नमस्कार साथियों, परिवर्तन आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम बात करेंगे 4 जुलाई 2018 के इंडियन एक्सप्रेस की। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रंट न्यूज़ हम देखते हैं, मॉब वायलेंस इज़ ए क्राइम वट एवर द मोटिव स्टेट शुड क्रैक डाउन। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो भी भीड़ द्वारा हत्या की जा रही है, जो हिंसा की जा रही है, वो एक क्राइम है, चाहे वो किसी भी उद्देश्य से किया जा रहा हो, और राज्य सरकारों को इसके विरुद्ध एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कई मामले थे जिसमें त्रिपुरा, बंगाल, महाराष्ट्र, कई जगह पर भीड़ द्वारा जो हत्या कर दी जाती है, लेकिन सबसे नया मामला था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मामले में कई लोगों ने एक तरीके से पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न आया है कि आप इस चीज़ को, और एक एडिटोरियल भी है उस पर भी हम थोड़ा देखेंगे, इस चीज़ को आपको कंट्रोल करना है। कोई भी पर्पज़ उसका कोई मतलब नहीं, ये वॉयलेंस है और ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए नुकसानदेह, तो इस चीज़ को आपको, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो करे, राइट, उनको सॉर्ट आउट करें। उसके बाद हम देखते हैं ये वाली न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट ने अभी डायरेक्शन दिए हैं कि जितने भी स्टेट में डीजीपी चुने जाते हैं या राज्य में जो पुलिस के प्रमुख होते हैं, उनके नाम यूपीएससी द्वारा शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। यानी सरकार जो है वरिष्ठ लोगों की एक सूची भेजेगी यूपीएससी में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में, और वो वहाँ से यूपीएससी सेलेक्ट करेगी बेस्ट 3 नेम्स को, और उन्हीं में से सरकार को वो चुनना पड़ेगा। इसका बेसिकली पर्पज़ ये था कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन थोड़ा ख़त्म हो, राजनीतिक हस्तक्षेप कम हो, और सही व्यक्ति, योग्य व्यक्ति इसके लिए चुना जाए। कई चीज़ें इसके अंदर हैं। इससे पहले 2006 में प्रकाश सिंह, एक तरीके से उनकी केस में जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें कई बातें सुप्रीम कोर्ट ने बताई थी कि केवल उन्हीं लोगों को प्रेफरेंस दी जाए जिनका एक्सपीरियंस अच्छा है, जो सीनियर मोस्ट हैं और जिनका पुलिस डिपार्टमेंट में अच्छा एक तरीके से नाम रहा है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, ठीक है, उनके टेन्योर की सुरक्षा दी गई, कार्यकाल सुरक्षित होना चाहिए कम से कम 2 साल के लिए, ठीक। इस तरह की चीज़ें उसमें बताई गई हैं, यानी रिफॉर्म से रिलेटेड है, पुलिस डिपार्टमेंट में रिफॉर्म से रिलेटेड एक और ये सेक्शन जुड़ जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं इस पेज पर, और इस पेज में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, लेफ्ट साइड आप देखेंगे, हाउ पंजाब वांट्स टू एड्रेस हाई नारकोटिक्स क्राइम रेट। यानी जो नारकोटिक्स क्राइम रेट पंजाब के अंदर बढ़ रहा है, उसको कैसे पंजाब काउंटर करेगा। पंजाब ने अभी डिसीजन लिया कि जो एक्ट है, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट, जिसको NDPS बोलते हैं, NDPS 1985 का ये एक्ट है, इस एक्ट के माध्यम से उन्होंने अभी डिसीजन लिया कि जो ड्रग, मतलब एक तरीके से ट्रैफिक करके लाए गए, इस तरीके की इन्वॉल्व होता है ड्रग्स जैसे एक्टिविटीज़ को में, और उनको सोसाइटी के अंदर फैलाने की कोशिश करता है, तो उस केस में फांसी तक की सज़ा हो सकती है। ये थोड़ा रिजिड कर दिया ला। अभी हम इस रिपोर्ट को हम समझते हैं, ये है NDPS केसेस जो है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में रिपोर्ट करे गए हैं, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केसेस हैं, फिर उत्तर प्रदेश में, केरल में, फिर केरल जैसे स्टेट का नाम आना बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है, क्योंकि केरल सबसे ज़्यादा एजुकेटेड स्टेट है और वहाँ पर ड्रग्स का होना बहुत चैलेंजिंग है। पंजाब, तमिलनाडु, उसके बाद हरियाणा है, वेस्ट बंगाल है, राजस्थान है, ठीक है, ये बड़े स्टेट हैं जो ड्रग्स से रिलेटेड या नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड नारकोटिक्स क्राइम यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और कंट्री के लिए एक चैलेंज डेफिनेटली है अगर उसका यूथ जो है वो ड्रग्स या इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, या नारकोटिक्स या फिर मादक पदार्थों का सेवन करता है, तो साइकोलॉजिकली भी सही नहीं है उस व्यक्ति के लिए भी, और राज्य की जो हम डेमोग्राफिक डिविडेंस बोलते हैं या युवा शक्ति की बात करते हैं, वो युवा शक्ति शायद पिछड़ जाएगी। इसलिए ये रिपोर्ट थोड़ा सा ज़रूर देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर का एक पोर्शन आता है, इसको स्टोरी टाइम में कभी कभी पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए। बेसिकली वही बात है कि जो व्हाट्सएप पर चीज़ें हो रही है या रमर्स फैलाई जा रही है, आप जानते होंगे अभी पिछले दिनों न्यूज़ आई थी, हमने पढ़ा भी था कि कई जगह अफवाहों के कारण जो है वो भीड़ व्यक्तियों की हत्या तक कर देती है। उस केस में ये सारी बातें हैं कि व्हाट्सएप के माध्यम से इस तरह की चीज़ें फैलाई जाती है, जिससे सोसाइटी के अंदर
और यूथ्स के अंदर एक एग्रेशन आता है और वो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी है कि वॉयलेंस अगर वो होती है तो वो क्राइम माना जाएगा और इसके साथ साथ उसमें क्राइम माना जाएगा और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि स्टेट ये स्टेट के अंडर आता है और स्टेट के अंदर आता है और स्टेट लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है स्टेट की है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग यहाँ पर। हम्बन टोट एंड मोर 35 पोर्ट्स फंडेड बाय चाइना सेज रिपोर्ट, यानी अभी एक रिपोर्ट आई है, चाइना जो है लगभग 35 ऐसी पोर्ट्स को डेवलप कर रहा है या फंड कर रहा है, जो कि ग्लोबली 35 ऐसी पोर्ट्स हैं जिसमें हम्बन टोटा तो है ही है, और यहाँ पर आप देखेंगे इसके अलावा अफ्रीका में आप ये जहाँ जहाँ सिंबल्स देख रहे हैं इसका मतलब बहुत बड़ी संख्या में चटगांव और हम्बन टोटा ग्वादर कई पोर्ट्स हैं इसमें जो बताई गई उन चीज़ों को डेवलप कर रहा है और उनको फंडिंग कर रहा है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, राइट। एक इंडिया के लिए कंसर्न ये है कि अगर चाइना यहाँ पर पोर्ट डेवलप कर लेता बाहर भारत के बाहर बाहर तो उससे कंसर्न होगा सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी के लिए चैलेंज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है डैम सेफ्टी बिल क्यों चाहे मतलब तमिलनाडु ने रिजेक्ट किया, इसके बारे में बेसिकली बात है। देखिए 2018 में सरकार ने डैम सेफ्टी बिल को प्रेजेंट किया था और इस बिल का बेसिकली पर्पस ये था कि जितने भी डैम हैं उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया जाए, मॉनिटरिंग की जाए और जो बन रहे हैं उनको प्रॉपरली एक तरीके से इन्वेस्टिगेट करें कि इस तरह कोई लूप होल ना हो, फेलियर ना हो। ये बेसिकली अगर हम पर्पस की बात करें, लेकिन इस बिल को रिजेक्ट क्यों किया गया इसको हम समझते हैं। इसमें ये चीज़ें तो हैं कि इसमें भाई आप सर्विले हम मॉनिटरिंग करेंगे और ऑपरेशन और मेंटेनेंस को देखेंगे, सेफ्टी और सिक्योरिटी मेजर्स को कवर करेगी नेशनल, लेकिन यहाँ पर एक सवाल भी उठता है। इसमें एक चीज़ है जो चैलेंजिंग है, वो है नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी। ये कमेटी जो बनेगी ये जितनी भी पॉलिसी को फ्रेम करना है, बनाना है और रेगुलेशन बनाने हैं, ठीक है, चाहे स्टेट कमेटीज बनाने, उसमें बड़ा योगदान देगी। यानी इस एक तरीके से पॉलिसी ही सेंट्रल लेवल पर प्रोजेक्ट बनाई जाएगी, ये सबसे बड़ा इशू इसमें था, राइट। तो इसलिए अपोज ज़्यादा हो रहा है कि एक नेशनल लेवल पर अगर इस तरह की डैम से रिलेटेड पॉलिसीज़ बनेंगी तो स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्टेट कहाँ पर है। भारत में डैम जो है कई तरीके से मॉनिटर किए जा रहे हैं, ऑलमोस्ट डैम जो है वो राज्य सरकार द्वारा कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं और राज्य सरकार द्वारा ही मॉनिटरिंग भी की जाती है, उनको देखभाल किया जाता है। लेकिन कई डैम ऐसे जो स्वतंत्र रूप से, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे दामोदर वैली कॉरपोरेशन है या भाकड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है, वो स्वतंत्र रूप से भी मॉनिटरिंग की जाती है। तो ये बेसिकली चीज़ें थी और जो प्रोविजंस इसमें हैं, चाहे इंस्पेक्शंस हो, इमरजेंसी एक्शन प्लान हो या डैम सेफ्टी करनी हो, रिक्वायरमेंट रिपेयर और मेंटेनेंस की बात हो, वो सारी चीज़ें इंक्लूड इसमें आ जाती हैं। लेकिन जो क्वेश्चन था कि क्या इसका जो राज्य सरकार इसमें क्या भूमिका निभाएगी, उस वजह से इस चीज़ को अपोज किया तमिलनाडु ने और इस बिल को एक्सेप्ट नहीं किया, राइट। इस न्यूज़पेपर की सबसे ख़राब चीज़ें यही है कि इसमें एडिटोरियल अच्छे नहीं आते, न्यूज़ बहुत अच्छी आती है, एनालिटिकल बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन फिर भी दो तीन न्यूज जो हैं हम उसको पढ़ेंगे, राइट। ये बात रमर्स की बात है, अब इसमें बार बार पढ़ने वाले कोई वो नहीं है कि आप व्हाट्सएप के थ्रू ये सारी चीज़ें फैलाएगी, क्योंकि इस तरह की कुछ चीज़ें एग्ज़ाम में नहीं आने वाली है, ठीक है, राइट। यहाँ पर हम इस पर भी बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बन रहा है और इसमें बेसिकली बोला गया कि ये यूजी से भी घटिया है, यूजी से भी ख़राब है, उसके पीछे उन्होंने अपना तर्क दिया है। इन्होंने बोला कि हमने, ठीक है, यूजीसी को समाप्त करने के लिए एक बिल प्रेजेंट कर दिया और हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया को लॉन्च किया, लेकिन क्या इससे भारत के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की क्वालिटी सुधरेगी, राइट। और पहले भी इस पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया पर। सबसे बड़ा क्वेश्चन है फंडिंग से रिलेटेड, क्योंकि पावर सेपरेट कर दी गई है, एकेडमिक्स
एक तरीके से हम बात करते हैं स्वायत्ता आप लोगों को दे रहे हैं, ऑटोनॉमी दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ फंडिंग एचआरडी मिनिस्ट्री के थ्रू होगी। कहने का मतलब यहाँ पर बेसिकली क्रक्स में एक लाइन में बता दूँ कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन जब तक राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं हटता इन सारी चीज़ों से, तब तक रिफॉर्म नहीं हो सकते, तब तक कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो ये इस बारे में बेसिकली बात करते हैं। और यहाँ पर जो एडिटोरियल है वो है IDBI LIC स्टेक सेल के बारे में, यानी जो LIC कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, वो ख़रीदने जा रही IDBI, यानी ये बैंक है, सरकारी बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, इसके शेयर ख़रीदने जा रही है। ये एडिटोरियल द हिंदू में तो पहले भी आ चुका है, लेकिन शायद यहाँ पहली बार, तो हम इसको ब्रीफ में देख लेते हैं एग्जैक्टली मामला क्या है। देखिए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDA जिसको बोलते हैं, जो कि जितनी भी इंश्योरेंस रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनको रेगुलेट करती है, मॉनिटर करती है, उसने इस बात को परमिशन दी कि आप IDBI बैंक को एक्वायर कर लीजिए, राइट। तो अब इससे कई चैलेंज उभर कर सामने आए हैं। पहली चीज़ ये है कि जितनी भी रेगुलेटरीज, क्योंकि ये LIC अलग एजेंसी द्वारा रेगुलेट होता है, जिसको IRDA बोलते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। सेकेंड चीज़ ये है, बैंक जो मॉनिटर करी जाते हैं वो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। थर्ड चीज़, जो शेयर या स्टेक खरीदने हैं वो मॉनिटर किए जा रहे हैं SEBI, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा। यानी तीन अलग अलग एजेंसीज, पहला मॉनिटरिंग से रिलेटेड और एजेंसी कौन सी होगी। दूसरा बड़ी बात कि IDBI बैंक जो है बहुत घाटे में है और इसका NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट या गैर निष्पादनकारी संपत्ति या ऐसा पैसा जो वापस नहीं आ रहा बैंक के पास, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्या एक्वायर करने से LIC की सिचुएशन बहुत अच्छी होगी, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मार्क। तो दो बड़े सवाल इस पर हैं, मॉनिटरिंग से रिलेटेड कौन सी एजेंसी इसको रेगुलेट करेगी, मॉनिटर करेगी। दूसरा बड़ी बात कि क्या जो संस्था पहले बहुत घाटे में उसको दूसरी संस्था द्वारा खरीदना एक अच्छा सॉल्यूशन है, अच्छा मार्क्स है इसके बारे में। यहाँ पर एडिटोरियल बेसिकली है कि जो LOIC सर्जिकल स्ट्राइक पर जो वीडियो रिलीज किया गया था, क्या वो पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए है, नहीं है, इसी चीज़ पर यह एडिटोरियल जो घूमता है, तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर भी दोनों एडिटोरियल बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है और बिल्कुल स्टोरी टाइप में, जिनको एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम इंटरनेशनल पेज पे जाएं तो यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, गेटोज। गेटोज का मतलब है ए पार्ट ऑफ ए सोसाइटी स्पेशली स्लम एरिया ऑक्यूपाइड बाय माइनॉरिटी ग्रुप्स। मतलब एक शहर का वो एरिया जहाँ पर स्लम्स होते हैं या झुग्गी बस्ती होती है और कुछ माइनॉरिटी कम्युनिटी द्वारा उस पर एक तरीके से कब्जा या ऑक्यूपाई कर लिया होता है, ठीक है, ये होता है। और कभी कभी टर्म्स अगर आ जाती है एग्जाम में तो बस वो उनको टर्म्स के हिसाब से आप तैयार कर लें। सेकेंड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है एंजेलो मार्केल और जर्मनी से रिलेटेड। यूरोप के अंदर माइग्रेशन बहुत सेंसिटिव इश्यू हो गया है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि माइग्रेशन की वजह से वहाँ न केवल इंटरनली वहाँ पर दिक्कत हो रही है, बल्कि उसके अलावा ये भी चैलेंज हो रहा है कि टेररिस्ट अटैक में कहीं ना कहीं लिंक पाया जाना इसको और चैलेंजिंग और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। तो उसी कड़ी में जर्मनी ने एक डिसीजन लिया है कि वो ठीक है कुछ कैंप तो बनाएगा माइग्रेंट्स के लिए, लेकिन अजाइलम पॉलिसी शरणार्थी नीति को और स्ट्रिक्ट बनाने जा रहे हैं। और इसी माइग्रेशन वाले इशू पर आप देखेंगे यूरोपियन यूनियन से ब्रेक्जिट किया इंग्लैंड ने, इंग्लैंड वो अलग हो गया था, ठीक है। यहाँ पर एक स्टडी के बारे में बात हुई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या यूज़ करना चाहिए वर्कफोर्स में, मतलब रोबोट्स टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं, क्या उसको प्रयोग करना चाहिए एक एम्प्लॉय के रूप में, रोज़गार के रूप में। तो अगर हम इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक अच्छी चॉइस हो सकती है, लेकिन इसके अपने पॉजिटिव और नेगेटिव है। पॉजिटिव ये है कि एक्यूरेसी बढ़ जाती है, जब भी एक मशीन काम करती है तो एक्यूरेसी की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, लेकिन सेकंड चीज़ें हैं सिक्योरिटी कंसर्न, सिक्योरिटी रिस्क भी है इसके साथ, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं। और सरकार लगातार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं कृत्रिम बुद्धि या वो फंक्शन जो इंसानों द्वारा किए जाते हैं, अगर वो मशीन्स द्वारा किए जाएँ तो सिंपली इसको समझें वो होता है इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसके बारे में स्टडी है, रिसर्च है, ठीक है। यहाँ पर जो है वीकनिंग ऑफ रूपी नॉट ए कॉज ऑफ वरी, जो नीति आयोग के वॉइस चेयरमैन हैं राजीव
कुमार, उन्होंने बोला है कि रुपए की वैल्यू जो कम हुई है या डॉलर के मुकाबले, उससे ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है और अभी इतनी सिचुएशन ख़राब नहीं है कि सरकार और RBI उसमें इंटरवेंशन करे, ठीक है। और ये बोला गया है कि जो भी कमी यहाँ पर देखने को मिली है रुपीज़ में, उसको अभी जब इकोनॉमी 2019-20 में अगले साल 8% की ग्रोथ रेट देखने को मिलेगी, तो वहाँ एक पॉजिटिव साइन भी देखने को मिलेगा, राइट। तो ये टेम्परेरी है और रुपया जल्दी से जल्दी रिकवर कर रहा है, ये एक संकेत इन्होंने बोला है, ठीक है। अब इसमें कितना सही कितना गलत वो अलग है, लेकिन नीति आयोग की तरफ से अगर स्टेटमेंट होता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आज के इस इंडियन एक्सप्रेस में इतना ही, ब्रीफ में थोड़ा कोशिश करी, खास न्यूज़ इसमें नहीं होती, फिर भी जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो हम कवर करते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड, जय हिंद।